हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सरकार के इसी रुख से आरएसएस बेहद निराश है। प्रचंड बहुमत के साथ 5 साल पहले सत्ता में आई बीजेपी से उसे अयोध्या में मंदिर निर्माण की बड़ी आस थी, लेकिन उसे अब अपनी ये आस टूटती हुई दिख रही है। बीजेपी की ओर से मंदिर निर्माण की पहल न होने से नाराज आरएसएस ने अब केंद्र की मोदी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरएसएस में नंबर 2 सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने प्रयागराज के कुंभ मेले में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्र की मोदी सरकार पर इशारों इशारों में हमला बोला और व्यंग करते हुए कहा कि राम मंदिर साल 2025 में बनेगा। कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा, 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। भैया जी जोशी ने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब भी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। उनके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दिशा में पहल होनी ही चाहिए। भैया जी जोशी ने मोदी राज में भारत के फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर चलने के दावों को भी नजरअंदाज किया और तंज कसते हुए कहा कि भारत तकरीबन 150 सालों के बाद विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण, एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं, ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों है, और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश है। आरएसएस की ओर से लगातार राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अध्यादेश लाने की बात कह चुके हैं। संघ के कुछ नेताओं का मानना रहा है कि अगर बीजेपी को सत्ता मिली है तो उसे मंदिर निर्माण की पहल करनी चाहिए थी। लोगों ने मोदी सरकार को इसलिए भी चुना था क्योंकि उनका मानना था कि सरकार हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान रखेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं। उधर वीएचपी भी कह रही है कि अब सरकार को इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए। अब केंद्र सरकार की बारी है कि अगले सत्र में कानून बनाए और मामले का पटाक्षेप करे। पीएम मोदी ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार मंदिर निर्माण के बारे में कोई फैसला लेगी। इसी के बाद से राम मंदिर के पक्ष में आवाज उठाने वालों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। अब भैया जी जोशी के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। खुद बीजेपी नेताओं का मानना है कि मंदिर निर्माण में कोई रुकावट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में मामला इस मुद्दे में देरी का महज एक बहाना है। राम मंदिर की निर्माण आज शुरू हो जानी चाहिए और उसके लिए मैंने कानूनी रास्ता बताई है कि जो जमीन है वो तो सरकार के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ मालिक कौन है उस जमीन का वही तय कर रहे हैं, परंतु सरकार जो है वो तो हमारी संविधान के अनुसार किसी की भी जमीन ले सकती है, सिर्फ मुंह अफजा देना है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट 10 साल, 15 साल, 100 साल, 20 साल, 1000 साल के बाद फैसला करती है कि किसकी जमीन है, उस समय की सरकार मुआवजा दे देगी। आज राम मंदिर बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं और इसीलिए तुरंत आज ही रात को विश्व हिंदू परिषद को जमीन दे देना चाहिए या मोदी को और कोई पसंद है तो उनको दे देना चाहिए। मंदिर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। 5 जजों की बेंच में जस्टिस यूयू ललित की मौजूदगी पर मुस्लिम पक्ष के ऐतराज के चलते 10 जनवरी को सुनवाई एक बार फिर टल गई। 29 जनवरी को फिर से सुनवाई की तारीख तय की गई है। मैं वास्तव में समझता हूँ कि हिंदुओं के मन में बहुत बहुत रोष है, बल्कि राम मंदिर बने ये समस्त भारतीयों की मांग है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करे, कोर्ट्स 68 साल तक टालें, ये वास्तव में खराब बात है और इसलिए आप कानून बना करके इसका रास्ता निकालना चाहिए।
इस बीच मंदिर निर्माण में हो रही देरी के चलते आरएसएस और हिंदू संगठन सरकार के रुख से बेहद नाराज हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस नाराजगी को दूर करने के उपाय कब और किस रूप में तलाशती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।